हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ने वाले हैं। आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक्स क्लियर कर दूंगी। इन बेसिक्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा या सुना होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो हम एक बार रिविजन कर लेंगे, इसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स और इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर के टॉपिक्स। ठीक है, चैप्टर टॉपिक। चलो, हमारा पहला टॉपिक है बेसिक्स में एटम। एटम क्या होता है बच्चों, क्या आपको पता है एटम के बारे में? एटम को हम हिंदी में परमाणु बोलते हैं। ओके, हिंदी में हम एटम को परमाणु बोलते हैं, पर एटम होता क्या है? एटम दुनिया की कोई भी चीज़, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ये पेन हो, पेपर हो, मेरा बोर्ड हो, या दुनिया की कोई भी चीज़ जिस पदार्थ से मिलकर बनती है या जिन छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनती है उसे हम कहते हैं एटम। ठीक है, या पदार्थ भी नहीं है, मैंने बोलेंगे जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है उन्हें हम बोलते हैं एटम। एटम इतने छोटे होते हैं कि इनको हम और भी ज़्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो एटम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। कैसा होता है? सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ओके, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एटम कैन नॉट बी डिवाइड, है ना, वी कैन नॉट बी डिवाइड। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, अब एटम के बारे में हम और कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कार्बन की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो अगर मान लीजिए कोई कार्बन का टुकड़ा है तो उस कार्बन के टुकड़े के अंदर छोटे 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 सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। ठीक है, सिर्फ कार्बन के ही एटम होंगे। ओके, अब अगर मान लेती हूँ मैं आयरन, ठीक है, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा होता है। ठीक है, अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही छोटे 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 कण होंगे। ठीक है, छोटे कण होंगे सिर्फ आयरन के। ये बात आपको समझ में आई कि कार्बन जिस पदार्थ से मिलकर बना है या जिन छोटे कणों से मिलकर बना है वो कण आपस में एक दूसरे से एक जैसे होंगे या एक समान होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे। वैसे ही आयरन जिस भी चीज़ से मिलकर बना है, जिस भी कण से मिलकर बना है, वो सारे कण आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, मतलब दिखने में एक जैसे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। क्लियर हुआ? लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कार्बन के एटम आयरन से अलग होंगे। ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब एटम के बारे में अगर बात करें तो कोई भी एलिमेंट जिस छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स से मिलकर बनता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर कोई भी एलिमेंट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, और एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पहली प्रॉपर्टी एटम की ये होती है कि एटम जिस भी, जैसे कार्बन का एटम है तो कार्बन के सारे एटम एक जैसे होंगे, बट आयरन के एटम से डिफरेंट होंगे। ठीक है, कार्बन के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मैच नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी एलिमेंट क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, आयरन हो, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिक होगा। बिल्कुल वैसे ही आयरन, आयरन जिस एटम से मिलकर बना है वो सारे एटम सिर्फ आयरन के एटम से ही मैच करेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से मैच नहीं करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट होते हैं किससे? अदर एलिमेंट से। ओके, अदर एलिमेंट से, बट सेम एटम सेम होते हैं किन में?
एक किस सिंगल एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे किसी एक सिंगल एलिमेंट में वो सभी आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं बोल रही हूँ ये स्केच पेन है, तो ये स्केच पेन जिस भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना होगा वो सब स्केच पेन से मैच करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पेपर, ठीक है, ये पेपर जिस भी छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर, छोटे छोटे कण या पार्टिकल से मिलकर बना है, इसके साथ मैच नहीं करेंगे। ठीक है, पेपर के पार्टिकल्स अलग हैं और स्केच के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, अब हम हमारा दूसरा टॉपिक देखेंगे। आप एटम समझ गए होंगे कि एटम क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। किसकी? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं अणु। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो छोटे छोटे एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मींस अगर छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कार्बन, बताया कि नहीं बनाया, तो ये कार्बन के छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं। ये सारे एटम जब मिल गए एक साथ, 100,000 करोड़ों एटम मिल गए, तो क्या बना, एक कार्बन बना। ठीक है, या एक कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, लेकिन इसकी खास प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया? कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे कार्बन के अंदर, जितने भी छोटे छोटे एटम्स होंगे कार्बन के अंदर, वो सब कैसे होंगे, सेम होंगे, आपस में कैसे होंगे, सेम या सिमिलर होंगे। ठीक है, या एक जैसे होंगे, सेम एटम या सिमिलर एटम्स होंगे। ठीक है, समझ में आया कि मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, जब छोटे छोटे एटम्स, देखिए एटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एटम किसे बोलते हैं, एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इसको हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं जब छोटे छोटे एटम्स आपस में मिल जाते हैं, तब एक क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। क्लियर? ठीक है, बट इसकी क्या खास प्रॉपर्टी होती है, सारे के सारे पार्टिकल्स या सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल भी इनमें डिफरेंस नहीं होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो ये मैंने एग्जांपल जो दिया था वो क्या था, ये एक तरीके का मॉलिक्यूल, क्योंकि छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूल के बाद आपका कंपाउंड, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड की बात ठीक से देखिएगा, कंपाउंड में क्या खासियत होती है। ठीक है, अब जैसे ये एक कंपाउंड मान लेते हैं, ये क्या है, हमारा कंपाउंड है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में, ये कंपाउंड भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, करेक्ट? ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एटम हो सकते हैं, डिफरेंट एटम हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? मींस अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम नहीं हो सकते, उसमें कैसे होते हैं, सेम एटम चाहिए होते हैं, करेक्ट? लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूं तो कंपाउंड में जो भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट एटम हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली कंपाउंड हम उन्हीं को बोलते हैं जहाँ पे डिफरेंट एटम होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात करूँ H2O, ठीक है, H2O मान लीजिए ये हमारा क्या है, गोला, ये हमारा H2O है। अब इस H2O के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर देखो तीन, दो टाइप के क्या हैं, डिफरेंट एटम हैं। एक तो H एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, है ना? समझ में आया? मतलब ये क्या है, ये पूरा एक कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड जिस एटम से मिलकर बना है वो एटम क्या है, डिफरेंट है,
कुछ किसके जैसे दिखते हैं, कुछ हाइड्रोजन के जैसे दिखते हैं, कुछ किसके जैसे दिखते हैं, कुछ ऑक्सीजन के जैसे दिखते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्लियर। इसमें अगर बात करें तो ये मान लेते हैं ये हमारा CaCO3 है, इसके अंदर कुछ एटम किसके होंगे, Ca के एटम होंगे, कुछ एटम कार्बन के एटम होंगे, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम है। ओके, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, कैल्शियम, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन है, कार्बन के एटम है, और क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब CaCO3 के अंदर तीन टाइप के एटम्स है, ठीक है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड बोल रहे हैं। अब तीन टाइप के एटम्स है तो तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे। मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि अगर कार्बन और आयरन है तो दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये आपस में एक दूसरे से सेम होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें भी तीन टाइप के एटम मिल रहे हैं हमको, ये तीनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। मान लो इसका कलर अगर ग्रीन है तो दूसरे वाले का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, एक का पिंक हो जाएगा। आया समझ में? अब आप समझ के होंगे कि कंपाउंड हम किसको बोलते हैं, क्लियर। अब हम आगे, माय डियर स्टूडेंट, इसके आगे के टॉपिक केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, एक्टिविटी 1.1 हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।